अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अमरूद के बारे में, जिसे गावा भी कहा जाता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगी। जायके के एतबार से अमरूद एक खट्टा मीठा, कसेला, तुश और खुश जायका फल है जो अंदर से सुर्ख और सफेद होता है। इसका पौधा साल में दो मरतबा फल देता है। अमरूद पाकिस्तान, भारत, ब्राजील, क्यूबा और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काश्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट फल है जिसमें विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और दीगर मुफीद अज्जा पाए जाते हैं। ये फल कई खसूसियात का हामिल है, खास तौर पर निजामे इन्हजाम की बेहतरी, कोलेस्ट्रोल की जायद मिकदार में कमी, जिल्द की खूबसूरती में नुमाया किरदार अदा करता है, तो मोटापे के साथ कई बीमारियों से भी महफूज रखने में मुआविन है। अमरूद का इस्तेमाल डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है और इसमें ऐसे गजाई रेशे पाए जाते हैं जो ग्लूकोज की मिकदार कम करने में मददगार साबित होते हैं। बुलंद फिशार खून के मरीज अगर रोजाना एक अमरूद खाएं तो मर्ज पर कंट्रोल रहता है। इसके पत्तों में जरासीम कुश और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती है जो गैस्ट्रो के मरीज से मर्ज से निजात दिलाती है। अमरूद के बाकायदा इस्तेमाल से कब्ज ठीक हो जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर अगर आपको नज़ला, जुकाम और खांसी है तो अमरूद की काशें खाना या इसका रस पीना भी फायदेमंद साबित होता है। इसके इस्तेमाल से सांस की नाली और गला साफ होता है। अमरूद में विटामिन सी और आयरन भी ज़ायद मकदार में पाया जाता है जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन और बीमारियों से तहफ़ फराहम करता है, जबकि फेफड़ों में मौजूद जरासीम का भी जड़ से खात्मा करता है। ये दांतों की सेहत में भी अहम किरदार अदा करता है और इसका बाकायदा इस्तेमाल बनाई में भी बेहतरी ला सकता है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों की सेहत और बनाई के मसाइल दूर करने के लिए खासियत रखता है। अमरूद में मौजूद पोटेशियम अमराज़ कल्ब से तहफ़ फराहम करता है, नीज कोलेस्ट्रोल की मकदार में भी एतदाल पैदा करता है। और जैसा कि जिक्र पहले भी हो चुका है कि अमरूद का इस्तेमाल मोटापा घटाता है, जिल्द की शादाबी और झुर्रियों की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा करता है, तो इसका अर्क जिल्द पर लगाने से कील मुहासों से भी निजात मिल जाती है। आज की अगर ये मुफीद वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।